हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की आत्मा से निकला वह ध्येय वाक्य है जो सिखाता है हमें अनेकता में एकता, परस्पर सहयोग, स्वतंत्रता, अधिकार और कर्तव्य। 73 बरस बिता करके 74वें बसंत में प्रवेश कर रहा है इस देश का संविधान और लोकतंत्र। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर भारतीय के सपने में उसका सुंदर सा भारत और संविधान कैसा हो, यह बात होती है। इस रिपोर्ट में द खबरदार न्यूज और शहरयार इसी परिकल्पना को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा गणतंत्र हमारा हो, जन जन का बने सहारा, जो बलवेदी पर वीर शहीद हुए उनके सपनों सा प्यारा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा हो, सबकी उन्नति के बने सहारे, सबके हाथों में हाथ हमारा हो। संविधान किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र की ताकत के मानकों का सबसे पुख्ता सबूत होता है। किसी राष्ट्र की साधना है उसका गणतंत्र, किसी राष्ट्र के लिए प्रार्थना है उसका गणतंत्र। आजाद भारत के इतने वर्षों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, कई अभाव मिले तो कभी प्रभाव मिले, लेकिन आज हम भारतीयों के जहन में देश को लेकर कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी होनी चाहिए। हम सबके खुशियों के द्वार खुले, हम सबके हिस्सों के अधिकार मिले, हर बच्चे को शिक्षा स्वास्थ्य मिले, हर युवा को रोजगार मिले। हमारी आजादी के खातिर लाखों लोगों ने खुद की जान की बाजी लगाकर यह अमूल्य स्वतंत्रता दिलाई। इस बात को हमें सदैव स्मरण रखना हमारा कर्तव्य है। हमें याद रखना चाहिए कि कितनों की जवानी गई इसी दिन की खातिर, कितनों की कहानी गई इसी दिन की खातिर। यह आजादी बड़ी अमूल धरोहर है अपनी, सड़कों पे रक्त की रवानी गई इसी दिन की खातिर। हमारे मन में एक सपनों का भारत रहता है, लेकिन असल में हमारा भारत कैसा होना चाहिए और हम भारत के लिए कैसे होने चाहिए, और हमारा भारत चाहे जैसा हो लेकिन हम सबको एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। तो मेरे सपनों का भारत कैसा हो? ऐसा हो, वैसा हो या जेबों में पैसा हो, खुशियां हो, अधिकार मिले या कर्तव्यों का भार मिले, जब बात राष्ट्र की आएगी हाथों में सबके तलवार मिले। हमारे देश के अमर शहीदों ने भी हमारे देश के खातिर कुछ सपने देखे थे, और हम भारतीयों का ये कर्तव्य है कि हम उनके सपनों को साकार करें। और हमारे देश में गांधी जी का जन स्वराज अपनाना है, दीन दयाल के मानववाद को पाना है, भगत सिंह सा बनना और बनाना है, बाबा साहब का समतामयी समाज बनाना है। एक न्यूज चैनल के तौर पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति, समाज के प्रति और हमारे राष्ट्र के प्रति, जिसे निभाने की खातिर सच और झूठ का दायरा करते हैं कम, सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं हम। तेंदुखेड़ा की भौड़ी हो या ददुआ का देवकली, जाते हैं हम वीआईपी शहर से गांव की हर गली। विकास की गुड न्यूज़,
या गरीबों का मौन? किसको देशवासी, गलती के पीछे कौन? तहरीर लिखेंगे, तस्दीक करेंगे, आपके हक की आवाज बनेंगे। अगर मिला आपका साथ तो बदले भारत की नई तस्वीर रचेंगे। खबरदार हैं हम, सबको खबरदार करेंगे। शहरों का इश्क दिखाते हैं, शख्सियतों से रूबरू कराते हैं, द ब्रांड ऑफ एवरी सिटी वाले हम शहर यार कहलाते। चित्रकूट में दो ही चीजें फेमस हैं, एक तो राम जी, दूसरे रावण। अब रावण के रूप में यहाँ क्या है? डकैत, ददुआ, ठोकिया, बलखड़िया, बबली कोल, और इन प्रेजेंट अभी जो चल रहा है वो है गौरी यादव। द खबरदार न्यूज, बेहतर समाचार एक बेहतर कल के लिए। बेटर न्यूज फॉर बेटर टुमारो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।